दुनिया में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो किसी न किसी वजह से खास हैं। जैसे कोई दुनिया की सबसे लंबी सड़क है तो कोई दुनिया की सबसे छोटी तो कोई सबसे चौड़ी। वैसे आम तौर पे सड़क बनाने में ईंट पत्थर सीमेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी सड़क है जिसे बनाने में इन चीज़ों के अलावा इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है। यकीनन आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है और इसी वजह से इस रोड को रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क के नाम से जाना जाता है। असल में ये सड़क एक हाईवे है जो रसिया में है। इसका असली नाम कोलियामा हाईवे है जो 2025 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे पर अक्सर इंसानी हड्डियां और कंकाल मिलते रहते हैं। दरअसल रोड ऑफ बोन्स के नाम से मशहूर इस हाईवे की कहानी दिल दहलाने वाली है। ठंड के मौसम में इस इलाके में काफी बर्फ गिरती है जिससे सड़क भी ढक जाती है। कहा जाता है कि बर्फ की वजह से गाड़ियां सड़क पर न फिसले, इसलिए सड़क बनाने में बालू के साथ इंसानी हड्डियों को भी मिलाया गया था। इस सड़क को बनाने में 2.5 लाख से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1930 के दशक में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन के तानाशाही के दौर में इस हाईवे को बनाया गया था। इस सड़क को बनाने में मजदूर और कैदियों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कई ऐसे कैदी भी थे जो सोवियत संघ के बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। इनमें रॉकेट साइंटिस्ट सर्गेई कोरोलेव भी थे जो इस कैद के दौरान जिंदा रहे और उन्होंने 1961 में रूस को अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने में मदद की। इन्हीं कैदियों में और एक रशियन राइटर सैलोमोव भी थे जिन्होंने कोलियामा कैंप में 15 साल जेल की सजा काटी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 3 हफ्ते में खतरनाक तरीके से काम, ठंड, भूख और पिटाई के बाद इंसान जानवर बन जाते थे। इस इलाके में भेजे जाने वाले कैदियों को वापस लौटने का चांस सिर्फ 20% था। जो लोग यहाँ से भागते थे वो सिर्फ 2 हफ्ते तक ही जिंदा रह पाते थे। इस दौरान या तो वो ठंड से मर जाते थे या भालू के हमले से या भूख से मर जाते थे। मरे हुए कैदियों और मजदूरों को वहीं सड़क के अंदर ही दफना दिया जाता था। अब इस रसिया के हाईवे पर आए दिन इंसानी कंकाल मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।